दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी वीडियो को अगर आपने टू कैम से शूट की है तो उसको कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं और उसको करने का क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अगर आप टू कैम से शूट करते हैं किसी वीडियो को, है ना, तो कैसे टाइमलाइन पे उसकी सेटिंग करेंगे, आइए देखते हैं और जानते हैं। दोस्तों ये हमारा प्रीमियर है और ये पहली फुटेज मैंने उठा के ये टाइमलाइन पे इस टाइप से रख दी है। ये देखिए, ये भजन कीर्तन की वीडियो है जो कि हमारा एक चैनल है दूसरा, उस पे हम यूज करते हैं। तो ये हमारी एक पहली वीडियो हो गई है ना। अब हमने क्या करना है, दूसरी वीडियो लेनी है कैम टू से। यानी कि हमारा ये कैम वन के अंदर हमारी ये वीडियो शूट की गई है, ये वाली, है ना। अब कैम टू से मैं ये वीडियो उठाता हूँ तो ये हमें देखना पड़ेगा आशा है कि, कि आप सभी को पसंद आएगा ये भजन। है ना। हुमैया तो ये हमारी दूसरी वीडियो आ गई है। अब हमने करना क्या है, सिंपली इसको इसके ऊपर उठा के ड्रैग कर देना है इस टाइप से। अब ये देखिए आप क्या देख सकते हैं कि ये आपकी पहली वीडियो हो गई, ये वाली नीचे वाली, ठीक है। इसको मैं यहां से जाके ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए ये आपकी दूसरी वीडियो है ना, जो मैं अभी लेके आया हूँ, और ये आपकी पहली वीडियो है ना। अब करना क्या है, मेरे को इन दोनों ऑडियो को हमने क्या कर देना है कि ये टू कैम, फर्स्ट कैम, वन कैम ये थी और टू ये थी, तो इसको क्या करना है, हमने उठा के ऐसे करके दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के पास में के लिए आपके पास ये टूल अवेलेबल होता है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, इस टूल के थ्रू इन सबको सिलेक्ट कर लिया। आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए, आप क्या कीजिए, सिंकोलाइज, सिंक्रोनाइज कर देंगे। और यहाँ पे आपने क्लिप स्टार्ट का ऑप्शन होता है, एक ऑडियो का होता है, ऑडियो को सिंपली आपने यहाँ पे लेना है और चैनल वन आपने रखना है। टू भी आप रख सकते हैं लेकिन वन आपको रखना पड़ेगा क्योंकि आपकी पहली जो ऑडियो है वन पे है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं ओके। अब ये देखिए, ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा आपका प्रोसेस करने के लिए। ये देखिए अब इसने क्या है, आपकी एक एक फ्रेम सुन को मैच कर दिया। ये देखिए, लेगा अब मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल के थ्रू इसको कट कर लूंगा। ये मैंने इसको कट कर लिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, है, और मेरी आशा है कि आप सभी को ठीक है। अब हमने करना क्या है कि सिंपली कई लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, ये टाइमलाइन पे इस टाइप से करते हैं लोग, है ना। आप इसको चाहें तो कलर बैलेंस को क्लोज भी कर सकते हैं। ये तो ये आपकी फुल क्लिप आ गई है ना। अब मैं क्या करूंगा इसमें, मेरी आस पड़ो अब जैसे कि हुमैया ये हिलता हुआ शॉट है, पड़ो ये देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, हम सेव कर लेते हैं इसको। इसकी जो ये नीचे वाली ऑडियो जो है, ये इसको यहां से जाके म्यूट कर देंगे, यानी कि इस वीडियो को, ऑडियो को हम डिलीट कर देंगे। ये देखिए, हुमैया अब ये देखिए, अब जैसे ये आपका सीरावाली शॉट हिल रहा है तो हम यहां से लेके इसको क्या करेंगे, सी के थ्रू आप लेके और यहां जाके कट कर देंगे। ये आपका बहुत ये सुंदर शॉट भजन है। है और मेरी आशा है कि आप सभी को पसंद कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो जैसे कि ये भी शॉट हिल रहा है आपका, इसको भी हमने लिया यहाँ पे। एक बार सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।
ठीक है, इस तरह आपने इसको उठा लेना है, सिरावा है ना, लिए मेरा दिल गया पहाड़ों में। यहाँ से आप जिस हिसाब से भी आपको लगता है शॉट ले लीजिए, पहाड़ों में भैया, इसको खींच लीजिए। अब इसको आप चाह सकते हैं एक तरह से इफेक्ट कंट्रोल के थ्रू इसको छोटा भी कर सकते हैं आप इस टाइप से, और यहाँ पे पोजीशन आप अपना हिसाब से ले लीजिए, इसको यहाँ पे थोड़ा नीचे रख लीजिए, ठीक है, ये इस टाइप से, ताकि टू कैम का फुल व्यू आपको दिखाई देता रहे। ये देखिए, ये हमने ये आपका शॉट एक इस टाइप से कट रहा है और ये एक इस टाइप से है, मतलब कि एक आपका फ्रेम इस टाइप से बनाया हुआ है हमने और एक इस टाइप से बनाया हुआ है। ये ढोलक वाला है तो ढोलक वाले पे हम ले लेंगे, ठीक है, इस तरह करके ये आ गया, इसको हमने कट कर दिया। अब ये आपकी आवाज आ गई, इसको थोड़ा सा मैं सिंपल कट लगा दिया। फ्रेम देखना है कि इसमें फ्रेम आपका कौन सा ठीक रहेगा, ऊपर वाले इस पे सही रहेगा ये वाला फ्रेम जो है, या नीचे वाले पे।
बोलो चाची दरबार की अब इसको हम काट देंगे इस पोर्शन को, ये देखिए ठीक है, इसको कंट्रोल के कर दिया और ये आपकी पूरी वीडियो, पूरी की पूरी आपकी ये वीडियो एडिट हो गई है ये वाली इस टाइप से। अब आप इसको यहाँ से ऐसे करिए, राइट क्लिक कीजिए और रिमूव एट्रीब्यूट। रिमूव एट्रीब्यूट का मतलब होता है जो आपने मोशन यहाँ पे किया था इसको हमने स्मॉल कर दिया, यानी कि छोटा कर दिया था, उसको हम रिमूव कर दिया। बोल दीजिए मेरे साल, बोलो सच्चे दरबार। अब क्या हो रहा है कि आपका ये कलर मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप जाएंगे कलर में जाएंगे। कलर में जाने के बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसको ब्राइटनेस कर देना है, ये देखिए हम नन कर देते हैं, इसको शार्पन कर देना है, ये बढ़ा दिया आपने, लगभग पूरा कंप्लीट एक वो आ गया है ना। यहाँ पे हम जाते हैं लट का यूज कर लेते हैं, कमेंट करना ना भूले। अब मैं क्या करूंगा, इसी के ही इफेक्ट लेने हैं, कंट्रोल सी मैंने किया और राइट क्लिक करके यहाँ पे सिंपली इन सबको सिलेक्ट किया और पेस्ट एट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि ये सेम फिल्टर सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ओ भैया तेरा वाली ये मेरा दिल गया तो इस तरह दोस्तों आप जो ना 2K की एडिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों आपने वीडियो को देखा और बहुत अच्छी तरह देखा, आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ और नई चीजें, नई जानकारियां। सो प्लीज की वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द YouTube चैनल।